नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना की ओर से भारतीय सेना के साथ की गई हिमाकत के बाद से ही मोदी सरकार एक्शन में है और चीन को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी भारत ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। चीन अच्छे से जानता है कि भारत अपने वीरों का बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देता है, इसीलिए धोखेबाज चीन घबराया हुआ है। तो वह LAC पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि चीन अपनी तरफ LAC के पास निर्माण कार्य कर रहा था, इस निर्माण कार्य को भारतीय सेना ने रोक दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि चीन का यह निर्माण कार्य समझौते के खिलाफ है और एक तरफा LAC की स्थिति को बदलने नहीं देगी, यानी युद्ध जैसे हालातों के बीच LAC पर भारत की बड़ी कार्रवाई है और चीन के लिए भी एक कड़ा जवाब है। इससे साफ है कि अब भारत चीन की नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस चुका है। तो वही पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सेना के इंजीनियर्स ने 60 मीटर लंबे उस पुल का निर्माण पूरा कर लिया है जिसे चीन रोकना चाहता था। गलवान नदी पर बने इस पुल से संवेदनशील सेक्टर में भारत की स्थिति बेहद मजबूत हो गई है। इस पुल की मदद से अब सैनिक नदी वाहनों के साथ आर पार जा सकते हैं और 255 किलोमीटर लंबे स्ट्रेटजिक DBO रोड की सुरक्षा कर सकते हैं। ये सड़क दरभुग से दौलत बेग ओल्डी में भारत के आखिरी पोस्ट तक जाती है जो काराकोरम के पास है। इस पुल की वजह से चीन बौखलाया हुआ है। मई में उसके सैनिकों के बड़ी संख्या में LAC पर आने की एक वजह ये पुल भी है जिसे वो नहीं बनने देना चाहता था, क्योंकि चीन को अच्छे से बताया कि इस पुल के बनने से या भारत की स्थिति और भी मजबूत हो गई है। तो भारत ने सीमा पर सड़कों के निर्माण में और तेजी लाने का फैसला लिया है। सीमा पर बन रही सड़क पर चीन लगातार आपत्ति जताता रहा है। कई दफे चीन सैनिकों ने निर्माण कार्य रोकने की कोशिश की और झड़पें भी हुई, लेकिन चीन के विरोध को दरकिनार करते हुए भारत ने सड़क निर्माण का कार्य और तेज करने का फैसला लिया है। LAC के पास भारत जहां सड़क निर्माण कर रहा है उस इलाके में पहले कई बार चीनी हेलीकॉप्टर को उड़ते देखा गया था। सीमावर्ती इलाकों में भारत के सड़क निर्माण पर विवाद पैदा करने के मकसद से चीन अपने हेलीकॉप्टर भेजता रहा है, मगर फिर भी भारत ने अपने निर्माण कार्य को बंद नहीं किया। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।